दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर डेली न्यूज को घंटा घंटा तक हर खबर सबसे पहले आप तक। कोरोना के बीच अंतरिक्ष में धरती पर आ रहा है बड़ी आफत, 24 घंटे हैं बाकी। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस COVID-19 संकट का सामना कर रही है। दोस्तों, इस बीच खबर आ रही है कि धरती के पास से एक बड़ी आफत गुजरने वाली है जिसमें महज 24 घंटे बचे हैं। वैज्ञानिकों ने अनुसार 1998 में OR2 का नाम उल्कापिंड बुधवार को धरती के पास से गुजरेगा। अगर इसकी दिशा में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसी बीच नज़ारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नज़र बनी हुई है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस बात का खुलासा करीब 1.5 महीने से पहले किया था। एजेंसी ने कहा था कि धरती की ओर बढ़ा एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड तेजी से आ रहा है। बताया जा रहा है कि उल्कापिंड के आकार में किसी परिवर्तन का सामना नहीं है। उल्कापिंड की गति की बात करें तो यानी 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब इसका 8.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड माना जाता है। अगर इसकी तेज गति के धरती पर किसी हिस्से में टकरा गया तो सुनामी आ सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं जो देख सकते हैं। ऐसे ही इस घटना के दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है। और इसी बीच नासा का कहना है कि उल्कापिंड से घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे डीएल न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ऐसा इसीलिए क्योंकि कहा जाता है कि 62.90 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, वैसे अंतरिक्ष का वैज्ञानिक की दूरी बताई जा रही है। माना जा रहा है दोस्तों, ऐसे में उसका उल्कापिंड 52,768/1998 OR2 नाम दिया गया था। इससे पहले नासा का साल 1998 में देखा गया था। इसका व्यास करीब 4 किलोमीटर था। नासा वैज्ञानिकों के मुताबिक नासा सेंटर फार नियर अर्थ स्टेट के अनुसार बुधवार 29 अप्रैल को सुबह 5:56 पर ईस्टर्न टाइम उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजर सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बताना चाहेंगे, इस बार से फिर अंतरिक्ष विज्ञानी का कहना है उल्का पिंड 52,768 सूरज का चक्कर लगाने के लिए 1340 दिन यानी 3.7 वर्ष लगता है। इसके बाद ही उल्का पिंड 52,768/1998 OR2 धरती की ओर से अलगा चक्कर लगा सकता है 18 मई जैसे कि दोस्तों 2031 तक वापस आ सकता है। उस समय 1.90 करोड़ किलोमीटर की दूरी से निकल सकती है।